ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಏಕ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಇತ್ತಿಹಾದ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೇ ಆಪ್ ಸಭಿ ಕಾ ಖೈರ್ ಮಕ್ದಮ ಹೈ ಆಸೂ ಔರ್ ರಾಹೋ ಕಿ ರುದಾದ ಸುನ್ ರಬ್ಬೆ ಕೌನೇನ ಮೇರಿ ಭಿ ಫರಿಯಾದ ಸುನ್ ಆಜ್ ಮೈ ಮುಲ್ಕ್ ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಮಜ್ಲೂಮ್ ಹೂ ಹಕ್ ಪೆ ಹೋತೆ ಹುವೇ ಹಕ್ ಸೆ ಮಹರೂಮ್ कैसे रोजाना हालात तब्दील होते जा रहे हैं। अब तो भारत के तकरीबन लोगों को मुसलमानों से एतराज होते हुए देखा जा रहा है। हल्द्वानी मामले में भले ही राहत मिलने का इत्मीनान मुसलमानों को है, जमीयत उलमा का काम सराहनीय रहा, इसे भी कबूल करना चाहिए। खैर, हल्द्वानी मामले पर और जमीयत के खिदमात पर अलग से वीडियो बना रहा हूँ, आज का मौजू कुछ अलग। लेकिन क्या इस मुल्क में सिर्फ मुस्लिम कॉलोनियां ही गैरकानूनी है या फिर सरकारी जगहों पर है? वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जमीन तंग होती जा रही है। मुझे वह हदीस शिद्दत से याद आती है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा दुनिया के बातिल ताकतें मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे कोई भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। खैर, तवील तफसीलात हैं, आज इस पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि फिलहाल पंचम चैली लिंगायत एहतजाज जारी है। अधिवेशन के वक्त जबरदस्त एहतजाज किया गया था ताकि 2 ईयर रिजर्वेशन हासिल हो सके। अभी एक दिन पहले बेलगाम में लिंगायत समाज के आला लीडरान की मीटिंग हुई जिसमें हुकूमत को अल्टीमेटम देते हुए 24 घंटे में रिजर्वेशन को जारी करने की मांग की। हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला यत्ताड़ भी शरीक रहा। इस बात को समझने की जरूरत है कि कभी भी मुसलमान किसी समाज के बारे में कुछ नहीं बोलता, इसलिए कि मुसलमानों के अंदरूनी मसाइल ही काफी है। लेकिन लिंगायत समाज के मृत्युंजय स्वामी जी ने एक कन्नड़ न्यूज चैनल पर अपने समाज की बात करते हुए कहा कि जब मुसलमान भारत के नहीं है इनके बाहरी हैं और वो बाहर से आए हुए हैं, जब इन्हें अकलियती कैटेगरी में शामिल किया गया है तो फिर लिंगायतों को क्यों नहीं? एक बार इस बात को सुने। समाज के ना अल्पसंख्यात ऐक इवे नोड़ी नम देश हुटदे मुस्लिम धर्मदे धार्मिक अल्पसंख्यात को क्रिश्चियन को नमी या कोडबार्दु? जितने भी लोग हमारा न्यूज चैनल देखते हैं मुसलमानों के बारे में कभी कोई बात बताए तो सही कि किसी और मजहब धर्म के बारे में कुछ कहा हो मुसलमानों ने। कोई भी एहतजाज करते रहते हैं तो वहां दौड़ दौड़ कर पानी पिलाने वाला यही समाज तो रहता है। खाना खिलाने वाला कोई समाज है तो वो मुसलमान समाज है। इससे पहले भी लिंगायत समाज की जानिब से एहतजाज किया गया था। एक मराठा लाख मराठा के एहतजाज में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से खिदमत देते हुए मुस्लिम समाज के नौजवान आपको मिले होंगे। लॉकडाउन कोरोना में जब कोई किसी का नहीं था तब भी यही समाज हमेशा की तरह आगे आगे रहकर इंसानियत का सबूत देता रहा, लेकिन बदले में हमेशा इसे ठुकराने की कोशिश की जाती रही। मजहब तब्दीली कानून में मदद के लिए ईसाई समाज की मदद करने की कोशिश की तो कुछ ईसाई समाज के लोगों ने यह कहकर एहतजाज करने में शामिल करने से मना किया गया कि मुसलमानों को देखकर कहीं मामला कुछ अलग ना हो जाए। मतलब अब तमाम दिगर मजाहिब के लोगों को मुसलमानों से एतराज होने लगा है। लिंगायत समाज 2A की मांग कर रहा है, वह कलीगा भी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। दलित पिछड़ा तबका ईसाइयों के भी कई सारे मुतालबे हैं, लेकिन क्या कभी मुस्लिम समाज ने इनके मुतालबात को गलत साबित करने की कोशिश की या कुछ बयानबाजी की या किसी तरह की मुखालफत की? और वैसे भी मुसलमानों को जरूरत ही क्या है, मुस्लिम समाज हजारों मसाइल से जूझ रहा है, इसे दिगर लोगों की क्या जरूरत? लेकिन जब मुस्लिम समाज किसी दिगर समाज के मसाइल में मदाखलत नहीं करता तो दूसरों को भी मुस्लिम समाज के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। पर आजकल तो मुसलमानों के बगैर यहाँ के लोगों की ना तो शाम मुकम्मल होती है और ना ही सुबह होती है। एक वक्त का खाना मुसलमानों का नाम लिए बगैर हजम नहीं होता। लिहाजा लिंगायत समाज के स्वामी जी को मुसलमान बाहरी है कहने का कोई हक नहीं है। इससे पहले हमेशा से फिरका परस्तों को शिकस्त देने के लिए मुसलमानों ने सेक्युलर उम्मीदवारों को वोट किया और कभी ये नहीं सोचा कि लिंगायत वक्लिगा मराठा जैन या कोई है, क्योंकि इस मुल्क का संविधान जिंदा रहे यही एक फिक्र तो है। फिरका परस्त हुकूमतों का खात्मा हो और मुल्क में तमाम मजाहिब के लोग भाईचारे के साथ जिंदगी गुजर बसर करें। और आज भी मुसलमानों का मौकूफ वही है, तभी तो भाजपा या दिगर फिरका परस्त पार्टियों में अलग अलग मजाहिब के लोग जाते होंगे और उन्हें वोट भी करते होंगे, लेकिन भाजपा की मुखालिफत में या फिर फिरका परस्तों की मुखालिफत में एक अक्सर तबका मुसलमानों का ये वाहिद तबका है जो इस मुल्क के संविधान के हक में करता है। केरला के बीच अपने पिछली मर्तबा बिला वजह लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद की बात कर मुस्लिम मुखालिफ ज़हनियत का सबूत दिया था। क्या कभी मुसलमानों ने ईसाइयों के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी की है? अगर मुसलमान किसी और मजहब को लेकर बात नहीं करता तो मुसलमानों पर क्यों इल्जाम तराशी?
अगर सही बात की जाए तो मुसलमान आपसी रंजिशें, अख्तलाफात, समाजी, माशी, तालीमी तमाम मसाइलों से घिरा हुआ है। इसकी सुबह शाम महज दो वक्त की रोजी की जद्दोजहद में गुजरती रहती है। लेकिन भारत में तो नया ट्रेंड चला हुआ है कि खामखा मुसलमानों को निशाना बनाया जाए ताकि सियासी ऊंचाइयां अपने आप उबूर कर सके। वरना तो सभी जानते हैं कि मुल्क के असल मसले क्या है। लेकिन आपको टीवी डिबेट से लेकर हर जगह पर सुबह शाम हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नजर नहीं आता। फिलहाल लिंगायत पंचमशाली एहतजाज जारी है। मुसलमानों को आज भी किसी तरह का एतराज नहीं है। मुसलमानों ने वोट किया तभी तो इससे पहले 10 वजीर आला लिंगायतों के बने। क्या बसवराज बोम्मई का सियासी सफर मुसलमानों के वोटों से नहीं हुआ? क्या येडियुरप्पा वजीर आला बन गया तो मुसलमानों के वोट नहीं थे? मतलब अब मुस्लिम मुखालिफ कार्ड चल रहा है तो जो चाहे मनमानी बयानात के जरिए एक समाज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों ने इस देश की आजादी को अपना खून दिया, अपने आल औलाद सब कुछ निछावर किया, और जो अंग्रेजों के मुखबिर खबरी थे आज देशभक्ति का ज्ञान बांट रहे। टीपू सुल्तान का खून इसी कर्नाटक के सरजमीन में जज्ब हुआ है, और गुलामी की जंजीरें कैसे कुर्बानियों से काटी जाती है का सबक इस मुल्क के शहरियों को दिया। आज हिंदू विरोधी कन्नड़ विरोधी बन जाते हैं क्या? खैर, इस मुल्क के संविधान की खातिर फिर से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और वैसे भी जिल्लत और इज्जत का मालिक तो ऊपर बैठा है। इसी लिंगायत स्वामी मृत्युंजय के उस बयान पर इलकन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसकी पुरजोर मजम्मत की गई। इसी तरह हुनगुन में भी मुस्लिम तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। एक बार फिर याद दिलाता हूँ कि मृत्युंजय स्वामी जी ने यह कहा था कि मुसलमानों की पैदाइश भारत की न होते हुए भी इन्हें अकलियती कैटेगरी दी गई, तो लिंगायतों को क्यों नहीं। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है, रहमते हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। आज का मौजू कैसा लगा जरूर कमेंट कर। निन्ने दिन पंचमशाली समुदाय स्वामीजी जय मृत्युंजय स्वामीजी सुवर्ण न्यूज चानल ಚರ್ಚಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಟು ಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಈ ದೇಶದವರು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೇರೊಂದು ದೇಶದವರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾವು ದಂಗೆಗೆ ಎದ್ರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನು ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಗೌರವವಿದೆ, ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಪಂಚಮಶಾಲಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಡೆಗಣನೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಶಾಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡವಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಅದು ನಾನು ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಶಾಲಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮತ ನೀಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದೇನು ಈಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. आज कन्नड़ हैट्रिक हीरो शिवराज कुमार की खास आमद रही। नई फिल्म वेदा की इश्तेहारबाजी के लिए बेलगाम में आना हुआ तो इनके हजारों चाहने वालों की भीड़ से कुछ देर तक ट्रैफिक भी रुकी रही। वाज रहे कन्नड़ फिल्म अदाकार शिवराज कुमार की बड़े पैमाने पर फैन फॉलोइंग है। चन्नम्मा सर्कल में पुतले को फुल मालाएं पहनाई गई। बेलगाम के शहरी कुंदे की तरह ही मीठे होने की बात शिवराज कुमार ने कही। Thank you.
आज बेनके ट्रॉफी का इफ्तिताही इजलास अमल में आया। सरदार हाई स्कूल ग्राउंड पर एक अरसे के बाद क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया जा रहा है। बेलगाम के लॉर्ड्स के नाम से सरदार ग्राउंड की पहचान थी, लेकिन कुछ वजह से क्रिकेट मैचेस को रोक दिया गया था। एमएलए अनिल बेनके ट्रॉफी से फिर से मैचेस की शुरुआत हुई है। पहला इनाम 5,01,000, दूसरा इनाम 2,50,001 रखा गया है। इफ्तिताही इजलास में एमपी मंगलागढ़ी, डीसीपी रविंद्र गडादी और दिगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। देखते रहते हैं न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।